हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं प्रवीश शर्मा, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है संस्कृत पाठ्यपुस्तक के शैक्षणिक गुण, एजुकेशनल मेरिट्स ऑफ संस्कृत टेक्स्ट बुक। तो आइए इसी विषय में हम बात करते हैं। जैसा कि शिक्षा शब्दकोश में कहा गया है, पाठ्यपुस्तक अध्ययन की निश्चित विषय वस्तु से संबंधित पुस्तक है जो क्रमबद्ध ढंग से व्यवस्थित शिक्षण के विशिष्ट स्तर पर उपयोग के लिए उद्दिष्ट एवं प्रदत्त पाठ्यक्रम के लिए अध्ययन की सामग्री के प्रमुख स्रोत के रूप में प्रयोग की जाती है। टेक्स्ट बुक इज ए बुक डीलिंग विद ए डेफिनेट सब्जेक्ट ऑफ स्टडी सिस्टमेटिकली अरेंज्ड इंटेंडेड फॉर यूज एट ए स्पेसिफाइड लेवल ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड यूज एज ए प्रिंसिपल सोर्स ऑफ स्टडी मटेरियल फॉर ए गिवन कोर्स, डिक्शनरी ऑफ एजुकेशन पेज नंबर 605। इसी संबंध में सी बी गुड महोदय ने लिखा है कि एक निश्चित पाठ्यक्रम के अध्ययन के प्रमुख साधन के रूप में एक निश्चित शैक्षिक स्तर पर प्रयुक्त करने के लिए एक निश्चित विषय पर व्यवस्थित ढंग से लिखी हुई पुस्तक पाठ्य पुस्तक कही जाती है। प्राचीन समय में इन्हें ग्रंथ कहा जाता था। तो आज हम देखेंगे पाठ्य पुस्तक के शैक्षणिक गुण क्या हैं। पाठ्य पुस्तकें जो कि पाठ्यक्रम के अनुरूप तैयार की जाती हैं तथा शैक्षिक उद्देश्यों का ध्यान रखा जाता है, अतः पाठ्य पुस्तक होती हैं छात्र व शिक्षक दोनों के लिए उपयोगी एवं महत्वपूर्ण होती हैं, जिन्हें आधुनिक शिक्षा के पूर्णों में आवश्यक माना जाता है। पाठ्यपुस्तक के शैक्षिक गुण कहें पाठ्यपुस्तकों के गुण इस प्रकार से हैं, जिनमें हम क्रमशः देखेंगे। सबसे पहला है विषय वस्तु, यानी कि कंटेंट। विषय वस्तु क्या होनी चाहिए, इसके विषय में हम आइए बात करते हैं। संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में विषय वस्तु का चुनाव छात्रों की शारीरिक व बौद्धिक और कहीं मानसिक स्तर को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए, यानी कि शारीरिक स्तर का भी ध्यान रखना चाहिए, बौद्धिक स्तर का भी ध्यान रखना चाहिए तथा मानसिक स्तर को भी ध्यान में रखना चाहिए। छोटी कक्षाओं व किशोरावस्था के विद्यार्थियों के लिए विषय वस्तु कपोल कल्पना से रहित सहज एवं स्वाभाविक होनी चाहिए, यानी नेचुरल होनी चाहिए, जबकि उच्च कक्षाओं में जो हायर क्लासेस होती हैं उनमें कल्पनात्मक विषय सामग्री को स्थान दिया जाना चाहिए। विषय वस्तु छात्रों की रुचि को ध्यान में रखकर संकलित की जानी चाहिए, जिसमें एक तार्किक क्रम होना चाहिए। उसे उनके वातावरण के अनुरूप विविधतापूर्ण गद्य पद्य नाटक व्याकरण कहानी सुभाषित पहेली होनी चाहिए। जैसे हम देखते हैं कक्षा 6 में सबसे पहले वंदना दी हुई होती है, उसके बाद शब्दार्थ दिए रहते हैं और शब्दार्थ का जब प्रयोग होता है तो बहुत छोटे छोटे वाक्यों में होता है। पुष्प तो कमल का फूल बना दिया जाएगा, कोई पक्षी विशेष है तो पक्षी का चित्र बना दिया जाएगा, उसका वाक्य प्रयोग कर दिया जाएगा। इसी तरह से कोई बालक है, जाता हुआ बना दिया जाएगा, बालका गच्छति, तो इस तरह से वाक्य प्रयोग करते हुए उन्हें बालकों को समझाया जाता है। जैसे ही 7th क्लास में आते हैं तो थोड़े छोटे छोटे पाठ दे दिए जाते हैं, यानी कि लगभग 1-2 पेज के जो हैं गद्य और पद्य के पाठ रहते हैं। गद्य पद्य में श्लोक संकलित रहते हैं और गद्य में गद्यात्मक कहानी और अन्य पाठ रहते हैं। व्याकरण में संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण से संबंधित सब कुछ रहता है, संधि विच्छेद समास रहते हैं समाहित, कहानी उसमें कहानियाँ ही होती हैं, जैसे व्याघ्र की कहानी हो गई या कोई दूसरी कहानी हो गई, राम की कहानी हो गई, सीता की कहानी हो गई या चंद्रशेखर आज़ाद की कहानी हो गई, महाराणा प्रताप की कहानी हो गई। सुभाषित जो अच्छे श्लोक होते हैं, सुभाषित कहें श्लोक ही रहते हैं उसमें इस तरह के श्लोक संकलित होते हैं जिससे बालकों के में नैतिकता आए, नैतिकता से संबंधित रहते हैं। जैसे कोई भी जैसे सत्य बोलने को लेकर श्लोक हो गया या झूठ न बोलने के लिए
उसमें संदेश दिया गया है या स्वच्छता का संदेश दिया गया है और बहुत सारे ऐसे श्लोक समाहित रहते हैं, पहेलियाँ होती हैं जिससे उनकी तार्किक क्षमता का विकास होता है। आज के वैज्ञानिक युग को ध्यान में रखते हुए विषयगत या विषय वस्तु को पौराणिक साहित्य व अंधविश्वास की अपेक्षा प्रगतिशील व ठोस तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों में उसी विषय वस्तु को स्थान दिया जाना चाहिए जो नैतिकता, सदाचार, राष्ट्रप्रेम, समानता, अंतर्राष्ट्रीयता की भावना पर खरी उतरती हों। संस्कृत की पाठ्य पुस्तक को संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित शैक्षिक उद्देश्यों के अनुरूप संकलित व व्यवहारिक विषय सामग्री वाली होनी चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे भाषा शैली, लैंग्वेज स्टाइल। तो इसमें भाषा शैली में लैंग्वेज स्टाइल में देखेंगे संस्कृत की पाठ्य पुस्तकों में शब्दों के महत्व, उनकी सरलता व कठिनाई को ध्यान में रखकर उनका वर्गीकरण होना चाहिए। प्रत्येक भाषा की पाठ्य पुस्तक का अनिवार्य अंग शब्दावली है, अतः उसे तैयार करते समय अत्यंत सावधानी रखनी चाहिए। भाषा शुद्ध, सरल व स्पष्ट होनी चाहिए, ग्राह्य होनी चाहिए जिससे कि आत्मसात कर सके बालक। छोटी कक्षाओं में तद्भव प्रधान व बड़ी कक्षाओं में तत्सम प्रधान भाषा शैली होनी चाहिए। संस्कृत के ऐसे शब्द बहुत से हैं जो हिंदी भाषा छात्र अपनी मातृभाषा में प्रयोग में लाते हैं या वातावरण में सामान्य रूप से प्रयुक्त होते हैं। इस प्रकार के शब्दों के साथ साथ प्रत्येक पाठ में कम से कम 10 नए शब्दों का ज्ञान कराना चाहिए। पाठ में इन शब्दों की कई बार आवृत्ति होनी चाहिए जिससे छात्र उनका उच्चारण व अर्थ प्रयोग समझ सकें। पाठ में यथास्थान शब्दों का अर्थ व प्रयोग दिया जाना चाहिए जिससे छात्र उनको हृदयंगम कर सकें। भाषा की पाठ्य पुस्तक में व्याकरण का होना जो है अत्यंत आवश्यक है, किंतु इसे तार्किक व मनोवैज्ञानिक क्रम में रखना चाहिए। प्राथमिक अवस्था में रूप का ज्ञान सरल से कठिन क्रम में होना चाहिए, फिर धीरे धीरे संधि समास आदि सिखाए जाने चाहिए। व्याकरण के पाठों में नियम, उदाहरण व अभ्यास अवश्य होना चाहिए। इसमें हम बताएंगे क्या क्या होना चाहिए। नियम के बाद, नियम जब सीख लेंगे बालक उसके बाद उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए और फिर उसके बाद अभ्यास अवश्य होना चाहिए। अभ्यास के बिना अध्ययन व्यर्थ रहता है। ये मुख्य बिंदु है, किसी भी कार्य को सीखने के बाद अभ्यास विशेष रूप से कराया जाना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे हम, पहले इसी में देख लेते हैं, संस्कृत पाठ्य पुस्तक की शैली रुचिकर व वैविध्यपूर्ण होनी चाहिए जिसमें मनोवैज्ञानिक क्रम का अनुसरण किया जाए। प्राथमिक कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों में बोलचाल एवं विवरणात्मक शैली तथा उच्च कक्षाओं में वर्णनात्मक व विचारात्मक जैसी भाव प्रधान व तर्क प्रधान शैलियों का प्रयोग किया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों में सरल, सरस, ओज, माधुर्य, प्रसाद गुणों से युक्त सर्वग्राह शैली प्रयुक्त होनी चाहिए। इसी के साथ हम देखेंगे चित्रण। चित्रण के बारे में बताएंगे, यानी कि जो पिक्चर, चित्र रहते हैं, हम देखते हैं छोटे बच्चे चित्रों से ज़्यादा प्रभावित होते हैं। पुस्तक में विषय वस्तु की उपयोगिता के अनुरूप चित्र, आंकड़े, मानचित्र, रेखाकृति, ग्राफ, चार्ट, तालिका के संकलन से न केवल विषय वस्तु को स्पष्ट करना सरल हो जाता है बल्कि इससे उसकी ग्राह्यता व आकर्षकता बढ़ जाती है। संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तक में पाठों के अनुरूप छात्रों के लिए पात्रों के चित्र, वेशभूषा, आभूषण, केश सज्जा, प्रकृति चित्रण, दृश्य अवश्य होने चाहिए। जैसे ध्रुव की कहानी है तो ध्रुव का चित्र उसमें है, ध्रुव की माता का चित्र है, पिता का चित्र है, राज सिंहासन का चित्र है, किंतु ये ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि चित्र शुद्ध, स्पष्ट, स्थूल, उपयुक्त व उचित संख्या में ही यथास्थान होने चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे अभ्यास कार्य, यानी कि प्रैक्टिस वर्क। संस्कृत की पाठ्य पुस्तक में पाठ के लेखक व कवि का संक्षिप्त परिचय पाठ के शुरू में या अंत में दे देना चाहिए। पाठ के अंत में नवीन शब्दों, वाक्य, खंडों तथा व्याकरण संबंधी व्याख्या अवश्य दी जानी चाहिए। पाठ के अंत में पौराणिक प्रसंगों तथा अन्य प्रतीकों की व्याख्या, पारिभाषिक शब्दों का स्पष्टीकरण शब्दावली दी जानी चाहिए।
प्रत्येक पाठ के अंत में विषय वस्तु से संबंधित कक्षा कार्य एवं गृह कार्य के लिए अभ्यास कार्य या अभ्यासात्मक प्रश्न अवश्य देने चाहिए, परंतु प्रश्नों का उत्तर नहीं देना चाहिए, अन्यथा छात्र चिंतन की अपेक्षा नकल ही करते रहेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे लेखन व तथा संपादन, राइटिंग और एडिशन। वर्तमान समय में भौतिकवादी सोच के कारण कोई भी व्यक्ति लेखन गति में संलग्न हो जाता है, जबकि इसके लिए विशेषज्ञता अनिवार्य है। संस्कृत भाषा की पाठ्य पुस्तक लेखन अथवा संपादन का कार्य ऐसे व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को दिया जाना चाहिए जो भाषा विज्ञान के ज्ञाता, बाल मनोविज्ञान के जानकार व विषय में रुचि रखने वाले हों। जिस पाठ्य पुस्तक का लेखन कार्य कई ज्ञाता कर रहे हों, उनमें से प्रधान लेखक को अनुभव एवं भाषाविद होना चाहिए। अन्य तत्वों में हम कह सकते हैं पाठ्य पुस्तक के में जो मुख्य रूप से होना चाहिए, पुस्तक का नाम, लेखक का नाम आदि होने चाहिए। इस प्रकार प्रस्तावना में जो है पुस्तक लेखन का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। विषय सूची में पाठों के अतिरिक्त चित्र, मानचित्र, तालिका सूची दी जानी चाहिए और पुस्तक के अंत में परिशिष्ट अवश्य होना चाहिए। अनुक्रमणिका इनकी इंडेक्स भी उसमें शुरू अवश्य होनी चाहिए। संदर्भ ग्रंथों एवं सहायक ग्रंथों की सूची वीडियोग्राफी भी अवश्य होनी चाहिए। पुस्तक में पाठ छोटे होने चाहिए, ऐसा ना हो कि पूरी कहानी इतनी लंबी कर दी जाए कि बालक पढ़ते पढ़ते बोर हो जाए। तो इस प्रकार ये आवश्यक गुण पुस्तक में होने जरूरी हैं। संस्कृत पाठ पुस्तक को हम तीन वर्गों में विभाजित कर लेते हैं। इसके गुणों को अनिवार्य तत्व होने चाहिए, भौतिक गुण होने चाहिए और शैक्षिक गुण। तो अनिवार्य तत्व में पुस्तक का नाम, लेखक, प्रकाशक, प्रकाशित स्थल, वर्ष, मूल्य, प्रस्तावना, विषय सूची, चित्र व अन्य सूची, परिशिष्ट अनुक्रमणिका, संदर्भ ग्रंथ व सहायक अन्य सूची। भौतिक गुण में आवरण, जिल्द, कागज, छपाई, चित्र, आकार। शैक्षिक गुण में विषय वस्तु, भाषा शैली, चित्रण, अभ्यास कार्य, लेखन संपादन। तो आज हमने शैक्षिक गुणों के विषय में विशेष रूप से अध्ययन किया। तो इसके अंतर्गत हमने आज जाना विषय वस्तु, भाषा शैली, चित्रण, अभ्यास कार्य, लेखन तथा संपादन। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।